हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं रेलवे की वैकेंसी। रेलवे में किस पोस्ट पे वैकेंसी है पूरा इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। बहुत खुशखबरी की बात है आपके लिए, बहुत ज्यादा पोस्ट है आपके लिए। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर 5696 आपकी पोस्ट है रेलवे के अंदर। किस पोस्ट है आप पढ़ सकते हो। जो ये भर्ती जो होती है दोस्तों RRB के थ्रू करवाई जाती है, ठीक है। किसके थ्रू? RRB के थ्रू ये भर्ती कंप्लीट होती है दोस्तों। इसके अंदर पोस्ट की मैं बात करूं तो किस पोस्ट के ऊपर भर्ती है दोस्तों, ये है असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक। ALP जिसको हम बोलते हैं, बात कर रहे थे काफी दिन पहले भी, हमने एक वीडियो बनाई थी कि भी ALP के ऊपर आपकी जो है वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। हमने बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाई थी भी ALP के ऊपर भी। ये दोस्तों एक नोटिस मिला है जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट न्यूज होती है उसके द्वारा, एक नोटिस जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, उसमें बताया गया कि भाई आपकी इस पद के ऊपर भर्ती आ रही है और जिसमें 5696 आपके पद होंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत शानदार नौकरी है, बहुत शानदार नौकरी है अगर नौकरी लग जाते हो तो। और इसके जो फॉर्म है दोस्तों कब से स्टार्ट होंगे दोस्तों, इसके जो फॉर्म है वो 20 जनवरी से शुरू होंगे। कब से? 20 जनवरी 2024 से शुरू होंगे और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों 19 फरवरी 2024 है। कितनी? 20 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक आपके जो फॉर्म है वो चलेंगे। बहुत जल्द आपको रेलवे की ऑफिशियल साइट के ऊपर भी नोटिस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। एक सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज आती है उसके अंदर दिया गया है। इसके अंदर मैं एज की बात करता हूं दोस्तों, एज कितनी होगी तो मैं बात करूं दोस्तों जनरल कैंडिडेट की, मैं बात करूं जनरल की तो दोस्तों 18 से लेके 30 साल तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है। ओबीसी की बात करूं तो दोस्तों 18 से लेके 33 साल तक का फॉर्म भर सकता है। और एससी और एसटी की बात करता हूं तो 18 से लेके 35 साल तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है। अब बात आती है दोस्तों ये एज काउंट कब से होगी, ठीक है। ये एज काउंट कब से होगी मैं बात करूं आगे तो, ये एज काउंट दोस्तों आपकी 1/7/2024 से होगी। कब से? 1/7/2024 से आपकी एज है ये काउंट की जाएगी। और ये बहुत शानदार भर्ती है, काफी दिन हो गए भर्ती आए, बहुत पहले ये भर्ती आई थी दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर एक बात बता देता हूं, जो मेडिकल है ना दोस्तों, जो मेडिकल है वो ठीक ठाक लेवल का होता है, वो मतलब बढ़िया लेवल का आपका एक मेडिकल इसके अंदर होता है जिसको बोलते हैं A1 मेडिकल, ठीक है। A1 मेडिकल आपका होना चाहिए और इसके अंदर आई साइट तो बहुत जरूरी है, 6/6 आपकी है जो आई साइट होनी चाहिए। ये था दोस्तों फॉर्म। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूंगा तो दोस्तों, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी दोस्तों, क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए होगा 10वीं पास, ठीक है। 10वीं पास आप कम से कम 10th पास होना चाहिए और 10th पास के साथ साथ आपके पास क्या होनी चाहिए, ITI, ठीक है। ITI जरूरी है आपके लिए, 10th पास प्लस ITI अगर आपके पास है तो ही आप इस फॉर्म को भर पाओगे। इतनी वैकेंसी है जिनके पास ITI का डिप्लोमा है, अलग अलग कैडर में, अलग अलग टेक्नीशियन की है, फीडर की है, हर एक अलग अलग, मतलब ये मान के चलो 20-25 अलग अलग फील्ड से ITI जिन्होंने कर रखी है वो भर पाएंगे फॉर्म। अलग अलग फॉर्म है, जब आपकी पूरा नोटिस आएगा तब आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सी ITI जिसने कर रखी है वो इस फॉर्म को भर सकता है, कौन से वाला इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो एक शानदार न्यूज है दोस्तों आपके लिए, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द आने वाली है, 20 तारीख से ऑनलाइन होने की बात चल रही है। तो दोस्तों जो भी इस चीज की तैयारी करना चाहता है जी जान के साथ तैयारी के लग जाइए, कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ साथ में जो बच्चा DSSB जेल वार्डन की तैयारी कर रहा है दोस्तों, उसके लिए एक शानदार बैच हमारा आ चुका है कॉम्पिटिशन मेटेरियल पे, ठीक है। अप्लीकेशन की मैं बात करता हूं, कौन सी अप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगा तो दोस्तों कॉम्पिटिशन मेटेरियल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे दोस्तों, वहां पे आपको एक कोर्स मिलेगा DSSB जेल वार्डन और मैटर्न का, ठीक है। ये शानदार बैच हमारा चल रहा है दोस्तों, इसके अंदर आपको क्यूज देखने को मिलेगी, आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगी, आप अच्छे से मेहनत करके प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगा सकते हो। एक मेंटरशिप बैच मिलेगा पूरा, एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, आप उसके अंदर डिस्कशन कर सकते हो। पहले दोस्तों ये 149 इसकी प्राइस थी जो घटा के मात्र 28 रुपए कर दी गई है और बहुत जल्दी ये वापिस 149 भी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। कुछ वजह से इसको रोका गया है मात्र 28 रुपए पे, ये शायद आज तक हो या कल तक हो, उसके बाद में वापस 149 हो जाएगी। जो भी DSSB की बच्चा तैयारी कर रहा है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाएगा। इतना ही, जय हिंद जय भारत।